आज मैं आपको लेकर आ गया जोधपुर के डोसा एक्सप्रेस पे, जहाँ पे मिलता है कपल फेवरेट दिल वाला डोसा, जिसको बहुत सारी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट और सॉसेस के साथ तैयार किया जाता है और ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि यहाँ पे आने वाले कपल्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इनके दिल वाले डोसा की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। आज आपका भैया यहाँ पे जोधपुर में हमारे डोसा का सबसे स्पेशल और फेवरेट डोसा है, डोसा एक्सप्रेस स्पेशल। की स्पेशलिटी ये है कि वो हार्ट शेप में आता है सबसे मेजर। तो जोधपुर का स्पेशल दिल वाला डोसा यहाँ पे लगने जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बैटर आ चुका है। बैटर किस चीज का रहता है ये सर? बैटर सर इसमें लगभग 8 चीजें मिक्स है। अच्छा, जो मैं आपको पूरा तो बता नहीं सकता, लेकिन चावल है, थोड़ा दाल है और 8-5-6 चीजें और है, इसमें मिक्स है पूरा वो। तो देख सकते हैं इसमें बटर डाल दिया, पनीर डाल दिया, टमाटर डाल दिया, वेजिटेबल्स में डाले जा रहे हैं। तो ये शिमला मिर्च आ गई, मेयोनीज आ गई, लिक्विड चीज है। अच्छा, लिक्विड चीज है, वाइट लिक्विड चीज है वो। उसके अलावा दो सॉसेस आए हैं हमारे। सॉसेस कौन कौन से रहते हैं सर? एक तो हम खुद बनाते हैं ना उसे, हमारा एक तंदूरी कह सकते हो आप, लेकिन एक जो हम खुद बनाते हैं सॉस मेजर है वो अचारी सॉस। तो देख सकते हो सॉसेस इसमें डाल दिए गए हैं, बटर डाल दिया, ड्राई फ्रूट आया इसमें। अच्छा, तो ड्राई फ्रूट डाल, काजू और मगज रहता है। तो जो भी सॉसेस डाले गए हैं सारे अच्छे से मिक्स कर दिए गए हैं। वेजिटेबल उसमें डाली गई है। दिल वाला डोसा कौन से कलर का दिल बनेगा? हाफ हार्ट शेप में बनेगा। अच्छा, कलरफुल तो ये रहेगा ही पूरा। अच्छा, पूरा कलरफुल रहेगा। इसके अंदर पनीर भी है, पनीर भी डाला है उसने अभी, और ड्राई फ्रूट भी डाले हैं, सारे वेजीज हैं। अब इसमें चीज भी आएगा, और जो सबसे मेजर पॉइंट है इसका वो जो कटिंग है इसकी, वो इम्पोर्टेंट है। कटिंग एकदम अच्छे से होती है, आपको ऐसा लगेगा हार्ट ही है पूरा वो। तो ये चीज आ गया, ऊपर से चीज आ गई। तो भाई कहाँ से सीखा डोसा बनाना ये? सर एक्चुअली मैंने तो सारा सीखा तो जैसे कि बाहर से ही था, कंसेप्ट लाए हैं। अच्छा, बाकी स्टाफ ही काम करता है पूरा, हम तो कंसेप्ट लेके आए हैं। है तो बॉम्बे का कंसेप्ट, लेकिन इसको राजस्थान के अकॉर्डिंग टेस्ट दिया गया पूरा। तो इसके अलावा क्या क्या वेराइटी मिल जाती है डोसा मेरे पास? लगभग आप आज के टाइम में मेरे पास ऑलमोस्ट 111 डोसाज है। उसके अलावा उत्तपम्स में मेरे पास 10-12 वेराइटीज है, और बाकी मेन्यू में मेरा पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड, ब्राउनी, मॉकटेल्स, ये सब है। सारी चीजें रहती है, सारी चीजें रहती है, हर चीज फ्रेश बनती है। तो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स आते हैं क्या, स्टूडेंट्स आते हैं? मेरे पास देखा जाए तो फैमिली क्राउड ज्यादा है, लेकिन 5-7 मेरे पास स्टूडेंट क्राउड भी रहता है। अच्छा, और जैन कस्टमर काफी मेरे पास, जैन में भी अच्छा खासा मेन्यू है। हां, जैन कस्टमर भी है। तो डोसा की देख सकते हैं अब यहां पे अच्छे से कटिंग कर ली गई थी, अब इसको यहां पे निकाला जा रहा है, शेप आने वाला है। तो देख सकते हो दिल की एकदम अच्छे से यहाँ पे शेप आ चुकी है। तो ये आगे इनकी रेड चटनी, ये है इनकी कोकोनट चटनी। तो भैया जितना ये देखने में बढ़िया लग रहा है, खाने में बढ़िया रहता है? मैं 100% कहता हूँ आप अपना हॉनेस्ट रिव्यू देना, खा के देखिए, क्योंकि जोधपुर में यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो जोधपुर में कैसे सोचा था यूनिक डोसा लगाने का? बॉम्बे में देखा था तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे लाए, उसको थोड़ा सा डिफाइन किया। मैं खुद शेफ हूँ, मैं 5-6 साल बाहर काम कर रखा है, मैंने दुबई भी कर रखा है, काफी जगह 3-4 कंट्री में काम कर रखा है। तो फिर उसी को लाके के घर पे रहेंगे, खुद का कुछ करते हैं, तो इसी सोच से फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। तो फाइनली जोधपुर के फेमस डोसा एक्सप्रेस का यहाँ पे फेमस दिल वाला डोसा यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। तो देखो एकदम हार्ट की शेप में यहाँ पे डोसा लगाया गया है, और इस डोसा को यहाँ पे काफी पसंद किया जाता है, कपल्स लोग ज्यादातर इस डोसा को ऑर्डर करते हैं। तो एकदम चीज के साथ काफी सारी यहाँ पे चीजें डाली गई, वेजिटेबल डाली गई, सॉसेस लगाई गई है, और एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे डोसा रेडी कर दिया है। इसके साथ में इन्होंने दो चटनी दी है यहाँ पे, रेड चटनी और यहाँ पे कोकोनट की चटनी है, साथ में दिया सांभर। तो साइज इसको काफी ज्यादा बड़ा है और देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस दिल को चीरने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो इसको मैं ट्राई करूंगा कोकोनट चटनी के साथ। तो इनका ये दिल वाला डोसा खा के मज़ा ही आ गया। तो इनकी डोसा की खासियत ये है कि इनका जो बेस है काफ़ी ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से थोड़ा क्रंची बना हुआ है। साथ ही साथ ऊपर से जो इन्होंने पनीर डाला है, चीज़ डाला है, ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में डाला है, और जिससे कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। साथ ही साथ इनकी जो कोकोनट चटनी है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो ओवरऑल इनका डोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको इसके अलावा यहाँ पे और डोसा खाने हैं वो भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो डोसा एक्सप्रेस पे आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। और टाइमिंग्स क्या रहती है सर? टाइमिंग्स हमारा चेंज होता रहता है। विंटर्स में 4:30 to 11 रहता है, और समर्स में 5:30 to 11 रहता है। वीक में कितने दिन ओपन रहता है? 7 days, 24/7। हाँ, ऑनलाइन अभी स्विगी जोमेटो पे पिज्जा पास्ता अवेलेबल है, विद इन अ वीक डोसाज भी अवेलेबल हो जाएंगे दोनों पे। तो सरदारपुरा में डोमिनोज के एकदम सामने आपको ये आपको शॉप मिल जाएगी। तो यहाँ पे आके इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इस दिल वाले डोसा को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।